Hello friends I am Nilesh Barman and welcome to my channel that is handwritten notes by Nilesh Barman so let's get into the video in this video we will study in brief about the agents and the stages of socialization so we start with the agents of socialization the very first agent is family the primary socialization of any human being or individual is done through the family and it is the family in which the child comes to know or learn how to स्पीक वॉक एंड ईट एंड अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ हीम और हीज़ विद हर अदर मेंबर्स ऑफ the फैमिली सो uh, so, जो फैमिली है वो पहला एजेंट है सोशलाइजेशन का क्या होता है कि जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है वो किसी भी इंडिविजुअल का वो फैमिली के थ्रू होता है और फैमिली में ही सबसे पहले बच्चा सीखता है कि क्या बोलना कैसे चलना क्या खाना और उसका रिश्ता दूसरों फैमिली दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसा है और क्या है सेकेंड एजेंट इज एजुकेशन और स्कूल सो इट इज़ अ काइंड ऑफ यू नो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन थ्रो विच एन इंडिविजअल और पीपल लर्न इस्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशन टू लीव इन द पर्टिकुलर प्लेस और इन अ पर्टिकुलर कंट्री सो सेकेंड एजेंट है एजुकेशन या स्कूल इसमें क्या होता है कि एक फॉर्मल इंस्टीट्यूशन होते हैं जहाँ की एक इंडिविजुअल या फिर कोई भी ह्यूमन कुछ स्टेब्लिश्ड रूल्स एंड रेगुलेशन को सीखता है और एक पर्टिकुलर कंट्री के हो सकते हैं एक सोसाइटी के हो सकते हैं और उनके हिसाब से वो काम करता है और ख़ुद को अडोप्ट करता है थर्ड वन इज सोसाइटी सोसाइटी कंटेन नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड इट गाइड्स इंडिविजुअल अबाउट इज रोल एंड स्टेटस एंड अकॉर्डिंगली इट यू नो इट प्रोवाइड सम काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंडिविजुअल सो जो थर्ड एजेंट है वो सोसाइटी है ये अलग अलग नॉर्म्स और वैल्यूज कंटेन करती है और एक इंडिविजुअल को उसका रोल और स्टेटस क्या है सोसाइटी में वो बताती है और उसके अकॉर्डिंग काम करने को बाध्य करती है नाउ फोर्थ एजेंट इंक्लूड्स अदर ऑल लाइक फ्रेंड्स क्लासमेट इन सम वे और अदर वे द सोशलाइजेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज डन थ्रू देम अल्सो सो नाउ मूविंग ऑन टू द स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन So, first is infant socialization. During infancy, the individual's socio cultural environment in which he learns and interacts is very limited. First of all, an infant comes into contact with the mother, then the father, and the other members of the family. Generally, up to the age of three years, his world is limited to the family. It is in the family that the infant learns to speak, walk, eat, and comes to understand the relationship with brothers, sisters, and other family members. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन अगर हम सोशलाइजेशन की पहले स्टेज की बात करें तो इन्फेंट सोशलाइजेशन सबसे पहले होता है जब भी एक बच्चा यानी कि जनरली अप टू द एज ऑफ थ्री ईयर्स रहता है तो जो उसके सोशो कल्चरल जो उसका इन्वॉर्वमेंट होता है जहाँ की वो सीखता है या कि जहाँ की उसका इंटरेक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है सबसे पहले जो बच्चा है वो माँ के कॉन्टेक्ट में आता है उसके बाद फादर के कॉन्टेक्ट में आता है और उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली फैमिली मेम्बर्स के कॉन्टेक्ट में आता है क्या होता है कि जो तीन साल तक किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का या ह्यूमन का जो वर्ल्ड है वो फैमिली तक ही लिमिटेड होता है और ये फैमिली होती है जहाँ की बच्चा बोलना चलना खाना और उसका उसका रिश्ता क्या है उसके अदर फैमिली मेम्बर्स के साथ ये सीखता है और इसको ही हम फर्स्ट स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन करते हैं Now, moving on to the second stage of socialization, that is child socialization. Next, the infant comes into contact with the neighbors. Thereafter, he gets admitted to school. From the age of 5 to 15 years till the child passes 10, his behavior is influenced by the family and school. पेरेंट्स टीचर्स क्लासमेट्स ब्रदर्स सिस्टर्स नेबरहूड एंड द पियर ग्रुप दिस इज़ कॉल्ड द सेकेंड स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन अगर हम से सोशलाइजेशन uh, की दूसरी स्टेप की बात करें तो ये चाइल्ड सोशलाइजेशन होता है ये इन्फेंट के बाद आता है और जो चाइल्ड है वह सबसे पहले फैमिली के बाद में नेबर से कॉन्टेक्ट में आता है और उसके बाद वो स्कूल में उसका एडमिशन होता है और जनरली फाइव टू फिफ्टीन ईयर्स की एज तक क्या होता है कि जब तक बच्चा दसवीं क्लास पास करे उसका जो बिहेवियर है वो फैमिली स्कूल पेरेंट्स टीचर्स क्लासमेट ब्रदर्स सिस्टर्स नेबरहुड एंड द पियर ग्रुप एसेक्ट्रा से इन्फ्लुएंस होता है उसके निनिहाल एसेक्ट्रा या फिर जो भी नेबरहुड होते हैं उसका एक या अदर वे में वन और अदर वे में उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है इसको हम सेकेंड स्टेज कहेंगे सोशलाइजेशन की नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टेज स्टेज दैट इज एडोलेसेंट सोशलाइजेशन सो ड्यूरिंग दिस पीरियड स्कूल क्लासमेट फ्रेंड्स मीन्स ऑफ प्रीक्रिएशन स्पोर्ट्स एंड बुक मैटर्स मोर टू द चाइल्ड द चाइल्ड अल्सो कम्स टू नो अबाउट डिफरेंट सीजन्स इन्वॉर्मेंट एंड अदर सोसाइटल एक्टिविटीज दिस डिफर इन एरियाज डेट इज डिफरेंट फॉर अर्बन एंड रूरल दिस इज कॉल्ड द थर्ड स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन अगर हम सोशलाइजेशन की तीसरी स्टेज की बात करें तो वो एडोलेसेंट सोशलाइजेशन होता है इसमें क्या होता है कि इस स्टेज में जो आ, एक इंडिविजुअल होता है वो Uh, जो कि क्लासमेट होते हैं उसके फ्रेंड होते हैं या फिर मीन्स ऑफ रिक्रिए रिक्रिएशन रिप्रोडक्शन स्पोर्ट्स हुई बुक मैटर हुई ये सब बच्चों मतलब उसके लिए ज़्यादा मैटर करते हैं वो कहीं कही ना कहीं इनसे ज़्यादा मिलता जुलता है कांटेक्ट में आता है और कहीं कही ना कहीं उसके बिहेवियर को ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं इसमें जो चाइल्ड होता है वो डिफरेंट सीजन और इन्वामेंट और अदर सोसाइटी जो एक्टिविटीज होती है उनके बारे में भी सीखता है लेकिन ये जो एक्टिविटीज़ हुई या सीजन या इन्वॉर्मेंट के बारे में हुई ये उसके सीखने जो सीखता है वो एरिया वाइज निर्भर करता है ये अर्बन में अलग होगी और रूरल में अलग होगी अगर हम रूरल की बात करें तो बच्चा सीखता है कि जैसे कि मछली कैसे पकड़ते हैं खेती कैसे करते हैं एस्टेक्ट्रा एस्टेक्ट्रा ऑल और जो कि सोसाइटी में एक्टिविटीज सर्वाइव करने के लिए क्या करना चाहिए और अर्बन की बात करें तो बच्चा सब कुछ सीखता है कि उसका कैरियर अब क्या करना चाहिए उसको उसको कैरियर में को मतलब उसको किस ओर आगे जाना चाहिए जिसमें कि उसका कैरियर सेफ हो यह सब सीखता है इसको हम थर्ड स्टेज कहेंगे सोशलाइजेशन के नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन दैट इज एडल्ट सोशलाइजेशन व्हेन द इंडिविजुअल रिचेज द हिज सर्कल ऑफ कंटेक्ट अल्सो चेंजेस अकॉर्डिंग टू कल्चरल एंड सोशल डिफरेंसेज

क्या होता है कि कल्चरल और सोशल डिफरेंसेस और उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग उसका जो सर्कल होता है कॉन्टेक्ट का वो चेंज हो जाता है और जो पेरेंट्स के अलावा जो इंडिविजुअल है वो पति या पत्नी के कॉन्टेक्ट में आता है और एक तरह से वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन बनता है एक तौर तो पे वो या तो हस्बैंड या वाइफ का रोल निभाएगा या फादर या मदर या फिर फैमिली के हेड का या फिर विलेज ऑफ द हेड वो एटसेट्रा ये सब डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले करता है सो फ्रेंड्स इट इज ऑल अबाउट द एजेंट्स एंड स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन सो इफ यू लाइक द कंटेंट एंड एक्सप्लेनेशन देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल थैंक यू